हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेवन दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स विल टॉक अबाउट हाउ टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर हैबिटेट्स इस चैप्टर में हम ये बात करने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है एक्चुअली इस चैप्टर में एक विज़िट के बारे में आपको बताया गया है और इस विज़िट के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं ओके चिल्ड्रन लाइक इस विज़िट में कुछ लोग हैं जो कि एक बायोस्फीयर uh, को विज़िट करते हैं और बायोस्फीयर को विज़िट करते समय क्या क्या चीज़ें उनको पता चलती हैं इसके बारे में ये चैप्टर है जैसे बच्चों आपने नेशनल पार्क सेंचुरी और बायोस्फीयर रिज़र्व एट्सट्रा नाम सुने होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है वॉट इज़ दर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिज़र्व इन सबको बनाने का उद्देश्य क्या है पर्पस क्या है मोटो क्या है उसके लिए हम पहले सेवन पॉइंट वन देखेंगे जिसमें डीफॉरेस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है एज यू नो वॉट इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन डीफॉरेस्ट्रेशन इज़ द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस डिफॉरस्ट्रेशन में फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है काट दिया जाता है और उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कुछ पर्पस यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे लिखे हुए हैं कि किन किन पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट को फिर यूज़ किया जाता है जैसे पहला है प्रक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन उस लैंड का यूज़ कल्टिवेशन के लिए हो हाउस बनाने के लिए फैक्ट्रीज बनाने के लिए या लकड़ियाँ चाहिए होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन किया जाता है इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं डीफॉरेस्ट्रेशन के वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स मतलब बहुत सूखा पड़ जाए या जंगल में आग लग जाए इससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है ना विल सी वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन यदि डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होता रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इट विल इंक्रीज़ द पॉल्यूशन लेवल टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा बच्चों आपको पता है आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अब जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करेगा अब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी तो उसका लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा और यदि इसका लेवल बढ़ता है तो ये आगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होता जाएगा डीफॉरेस्टेशन से ओवरऑल हम देखें तो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है यदि ट्रीज़ को लगातार इसी तरह से काटते रहें तो रेनफॉल और फर्टिलिटी दोनों ही डिक्रीज़ होने की संभावना होती है इसके अलावा और भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं नैचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं फ्लड एंड ड्रॉट ओके सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स हाउ ड्रॉट्स कैन कम जैसे अभी हमने देखा कि यदि डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड ना के बढ़ते रहने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ ये वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है रेनफॉल को कम कर सकता है और इसकी वजह से सूखा पड़ सकता है इट कुड कॉज ड्रॉट्स सो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज सॉइल की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती हैं प्लांटेशन अफेक्ट होता है वेजिटेशन भी अफेक्ट होता है अब बच्चों आप ये सोचो आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं तो उनकी रूट्स जो हैं वो सॉइल को बांधे रखती हैं यदि प्लांट्स नहीं होंगे ट्रीज नहीं होंगे तो जो सॉइल की टॉप लेयर है वो रिमूव होती जाएगी किस प्रोसेस की वजह से सॉइल एरोजन की वजह से और यदि टॉप लेयर जिसमें कि यूमस रहता है वो कम होता जाएगा सॉइल में यदि सॉइल में यूमस कम हो गया तो सॉइल कैसी हो जाएगी लेस फर्टाइल यानि कम उपजाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे जो हमारा एक उपजाऊ क्षेत्र था वो एक तरह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो दिस इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन यानी कि डी फॉरेस्टेशन से हम कहाँ पहुँच गए बच्चों डीफॉरेस्टेशन से हम पहुँच गए डेजर्टिफिकेशन पर मतलब डेजर्ट बन सकता है अब डीफॉरेस्टेशन जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है इससे क्या होता है द मोमेंट ऑफ़ वाटर फ्रॉम द सॉयल सरफेस इन टू द ग्राउंड इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड सो देयर आर फ्लड्स इसीलिए फ्लड्स भी आते हैं सॉइल के दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कंटेंट उनका टेक्सचर ये सब भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज हो जाता है तो यानी कि बच्चों आपने देखा कि डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सो वॉट वी हैव इन आर हैंड हम क्या कर सकते हैं तो हमें करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कंजर्व होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व होगी ठीक है तो यहाँ पर Uh, एक विज़िट ऑर्गेनाइज़ की गई कुछ बच्चों की वो विज़िट के लिए वो बायोस्फीयर रिज़र्व में जाते हैं अब यहाँ पर बायोस्फीयर रिज़र्व ये वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वॉट इज़ बायोस्फीयर रिज़र्व यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रेन बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ़ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गैनिज़म एग्जिटिंग ऑन अर्थ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट बायोसफेयर क्या है बच्चों ये अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी आपने नाम सुना होगा डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है डायवर्सिटी मतलब कि वैराइटी डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसके अलावा हम इस पेज पर देखें तो यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात कही गई है फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मीन्स वहाँ का जो वेजिटेशन है और फोना मतलब वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं और उनके हैबिटेट मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में जिस सराउंडिंग में रहते हैं उनको बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जैसे कि सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला है सेंचुरी सेंचुरी क्या है एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्राम एनी डिस्टर्बेंस ऐसे एरियाज जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से इसके अलावा दो और प्रोटेक्टेड एरिया की हम बात करेंगे यहाँ पर उसमें से पहला है नेशनल पार्क वॉट इज़ नेशनल पार्क एरियाज रिज़र्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड वॉट इज बायोस्फीर रिज़र्व दीज आर द लार्ज एरियाज चिल्ड्रेन दीज आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ़ द ट्राइबल्स लिविंग इन द ए एरिया आपको पता है कि फॉरेस्ट में कुछ ट्राइबल लोग भी रहते हैं तो उनका ट्रेडिशनल लाइफ भी जीवित रहे और सर्वाइव करे इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं अब यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है इसमें बताया गया है आपके डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में या कंट्री में जो भी नेशनल पार्क हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में आपको लिखना है दिस टेबल यू हैव टू कम्प्लीट बाई योर ओन आप खुद इस टेबल को कम्प्लीट करने की कोशिश कीजिए बच्चों अब यहाँ पर हम जो विज़िट इसमें की गई है वो बायोस्फीयर रिजर्व है और व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिज़र्व अभी हमने देखा था कि एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको बचाने के लिए जो एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए किसे बायोडाइवर्सिटी को ऑन कल्चर ऑफ़ दैट एरिया ठीक है तो इसमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं जैसे कि पचमरी बायोस्फीयर रिज़र्व है इसमें एक नेशनल पार्क है सतपुरा और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं बोरी एंड पचमरी तो ये तीनों के बारे में हम देखने वाले हैं बायोस्फीयर रिज़र्व देखेंगे सतपुरा देखेंगे बोरी पचमरी ये सब हम देखने वाले हैं आने वाले पेजेस में देखिए सबसे पहले हम यहाँ के फ्लोरा एंड फोना की बात करेंगे तो जब बच्चे जो विज़िट करने गए थे वो यहाँ आए तो उन्होंने बहुत सारे तरह के एनिमल्स यहाँ पर देखे देखे तो ये आपको पिक्चर्स देखिए पिक्चर्स में आपको दिख रहा है वाइल्ड डॉग चीतल वुल्फ लेपर्ड फन ये जामुन का पेड़ है तो ये सब यहाँ पर उन्हें दिखाई दिए अब देखिए ये आपको मैंने पहले भी बताया कि वॉट आर फ्लोरा एंड फोना द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आ टर्म डैश फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स वहाँ के जो एनिमल्स हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि पचमरी बायोस्फीयर में कौन सा फ्लोरा एंड फोना है जैसे साल टीक मैंगो जामुन सिल्वर फंस अर्जुन ये सब तो है वहाँ के फ्लोरा फिर चिंकारा बुल बाकिंग डियर चीतल लेपर्ड वाइल्ड डॉग वुल्फ ये सब एग्जाम्पल है वहाँ के फोना के तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और बहुत से पिक्चर्स भी यहाँ पर आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बताए गए हैं कि वहाँ पर कौन सा फ्लोरा और कौन सा फोना प्रेजेंट है नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैडिंग दैट इज एंडेमिक स्पीशीज आप एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है बच्चों ये कुछ नया टर्म यहाँ पर आया है वॉट इज़ एंडेमिक स्पीशीज़ एंडेमिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी वेयर एल्स एंडेमिक स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं वो हमको और कहीं नेचुरली अकरिंग नहीं मिलेंगी इस तरह की स्पीशीज़ को हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं यहाँ पर एक वाइल्ड मैंगो ट्री का पिक्चर दे रखा है ये वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है इसके अलावा ये तो एंडेमिक फ्लोरा है और यहाँ का इस बायोस्फीयर रिज़र्व में बाइसॉन इंडियन जाइंट स्क्विरल फ्लाइंग स्क्वेरल जो है वो यहाँ के एंडेमिक फोना हैं कौन कौन से बाइसन इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग फिंग स्क्वरल ये जॉइंट स्क्वेरल का तो आप पिक्चर भी यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में आपको नेचुरली अकरिंग मिलेंगे बाकी और जगह हमको ये नहीं मिलेंगे इसलिए ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं अब बच्चों यदि इनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो या फिर पॉपुलेशन बढ़े तो फिर क्या हो सकता है इनके नेचुरल हैबिटेट को प्रॉब्लम हो सकती और है और एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो धीरे धीरे गायब भी हो सकती हैं यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया है स्पीशीज़ वॉट इज़ स्पीशीज़ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ ब्रीडिंग जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं अपने जैसे मेम्बर्स बना सकते हैं इनको हम कहते हैं स्पीशीज़ स्पीशीज़ मतलब कि किसी पॉपुलेशन का वो ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकता है उसको हम कहते हैं स्पीशीज़ नाउ वी कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कि हमने पहले देखा था कि पचमरी जो बायोस्फीयर रिज़र्व है वहाँ पर पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस क्या है ये यहाँ पर बताया गया है आपको बच्चों कि सेंचुरी में जो एनिमल्स हैं उनकी किलिंग या पोचिंग जिसे कहते हैं कैप्चरिंग ऑफ एनिमल जो है ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है उनको किल नहीं किया जा सकता है और उनको कैप्चर भी नहीं किया जा सकता है तो और यहाँ पर बच्चों आपको कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स के नाम भी दे रखे हैं थ्रेटन वाइल्ड एनिमल्स मतलब कि ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है तो दे आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड्स इन डेल्टा ऑफ बिग रिवर्स तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड रखे जाते हैं क्योंकि ये जो है स्पीशीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों प्रॉब्लम ये आती है कि जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो भी सेफ नहीं है वाई बिकॉज यहाँ पे आसपास जो नेबरहुड में लोग रहते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करने आ जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए उसके बाद हम विल सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ नेशनल पार्क नेशनल पार्क में जो हमने पशमरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखा था उसका नाम था सतपुरा नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क जो है बच्चों इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट ये जो है वो इंडिया का पहला रिज़र्व फॉरेस्ट है यहाँ पर जब बच्चे थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर भी लिखा हुआ है तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा ग, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर्स को बचाने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर और ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट वॉज़ टू द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री क्योंकि कंट्री में टाइगर का पॉपुलेशन लगातार गिर रहा था तो उसके सर्वाइवल को और उसको मेंटेन करने के लिए टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ एनिमल्स वाइल्ड बफेलो बारा सिंगा टाइगर इनके पिक्चर्स हैं टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फॉर फ्रॉम आर फॉरेस्ट धीरे धीरे डिसअपेयर होते जा रहे हैं तो इनको बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वन सपोन टाइम एनिमल्स लाइक लायंस एलि एलिफेंट्स वाइल्ड बफेलोज एंड बारह सिंगावर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क पर इनका नंबर जो है वो ऐसे लेवल पर धीरे धीरे आता गया कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं एक्सटिंक्ट मतलब कि वो कभी भी समय के साथ गायब हो सकते हैं जैसे आपको डायनासोर्स का नाम मालूम है बच्चों तो ऐसे एनिमल्स जिनका की नंबर काफ़ी कम हो गया है यहाँ पे देखिए एनिमल्स होज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनका की नंबर लगातार कम होते जा रहा है तो आने वाले भविष्य में वो कभी भी खत्म हो सकते हैं जैसे डायनासोर खत्म हो गए थे एक्सटिंक्ट हो गए थे तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो इसलिए ऐसे एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब ना किया जाए ओके चिल्ड्रेन नाउ देर इज़ वन टर्म एन अदर टर्म यू कैन सी ईको सिस्टम इको सिस्टम वाट इजो सिस्टम एको सिस्टम इज मेडअप ऑफ ऑल द प्लान्ट एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ए एरिया एलॉन्ग विद नॉन लिविंग कम्पोनेंट्स सच इज क्लाइमेट सॉयल रिवर एटसट्रा एको सिस्टम क्या है ये वो सिस्टम है जिसमें कि सब शामिल हैं प्लान्टनिमल्स माइक्रो ऑर्गैनिजम्स इवन वहाँ के नॉन लिविंग कम्पोनेन्ट्स भी शामिल हैं जैसे क्लाइमेट सॉयल रिवर डेल्टास ये सब उसमें शामिल हैं तो ये सब मिल कर के एक ईको एक सिस्टम बनाते हैं तो बच्चों इस एको सिस्टम में यदि एक भी मेंबर जैसे प्लांट्स है यदि ये, ये ख़त्म हो जाते हैं या एनिमल कम हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म कम होते जाते हैं या क्लाइमेटिक कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे इको सिस्टम का बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है तो इस बैलेंस को हमको मैंटेन करके रखना है यहाँ पर आपको एक टर्म और दिखाई दे रही है रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक क्या है इट इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हमारे कंट्री में ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं जो ख़त्म हो सकते हैं कभी भी या ऐसे प्लांट्स हैं जो कभी भी खत्म हो सकते हैं तो उनका रिकॉर्ड एक बुक में रखा जाता है और उस बुक को कहा जाता है रेड डेटा बुक यहाँ पर एक टर्म आपको और दिखाई दे रही है बच्चों माइग्रेशन लास्ट ईयर आपने सेवेंथ क्लास में माइग्रेशन के बारे में पढ़ा है कि कुछ जो बर्ड्स होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं और यदि वहाँ पर बहुत ही क्लाइमेट का जो इफ़ेक्ट uh, है वो चेंज होते जाता है तो फिर वो कहीं बहुत दूर चली जाती हैं ऐसे वेदर में चली जाती हैं जो थोड़ा सूटेबल हो आपने देखा है कि पोलर रीजन की जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट होने की वजह से वहाँ से माइग्रेट कर देती हैं इस तरह के बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं और इस तरह के पैटर्न को जिसमें कि एनिमल्स या बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं हाँ बच्चों यहाँ पर एक एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको बहुत ही आ, अच्छा मैसेज दे रखा है दैट इज़ रीसाइकलिंग ऑफ पेपर यहाँ पर पेपर को सेव करने की भी बात की गई है कहा गया है कि यदि कोई बच्चा जो है बच्चे जो हैं हर दिन एक शीट पेपर को बचाते हैं तो हम हर साल बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं तो आपको क्लास में भी बताया जाता है कि पेज को वेस्ट ना करें पेज को फाड़े नहीं क्योंकि पेज कैसे बनते हैं ट्रीज़ को कट करने से बनते हैं ट्रीज से ही बनते हैं और ट्रीज़ को बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं इसीलिए हमको पेपर का ऐसे यूज़ करना चाहिए जुडिशियस यूज़ करना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक रीसाइकलिंग ऑफ़ पेपर मतलब जो पुराना पेपर है जो यूज़ किया हुआ पेपर है उससे हम न्यू पेपर बना लें दिस इज़ कॉल्ड रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर तो ये भी किया जा सकता है जिससे कि हम डिफॉरेस्ट्रेशन से थोड़ा सा बच जाएंगे उसके अलावा और क्या कर सकते हैं रीफॉरेस्ट्रेशन डिफॉरेस्टेशन में क्या किया था आप प्लांट्स को काटा जाता है रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है बच्चों फिर से फॉरेस्ट को लगाना नए ट्रीज़ को लगाना तो जैसे हमने स्कूल में भी शुरू किया कि हम जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा उस वो एक बच्चा जो है वो प्लांट करेगा एक पौधा और उसकी देखभाल करेगा तो इस तरह से आप भी जितना हो सकता है ट्रीज़ लगा सकते हैं और रिफॉरेस्टेशन बच्चों नेचुरली uh, भी होता है कैसे कि यदि कोई डिफॉरेस्टेड एरिया मतलब जो जहाँ जिस एरिया में फ़ॉरेस्ट काट दिए गए हों उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर अपने आप ही नया फॉरेस्ट होने लग जाता है बिना ह्यूमन बींग्स के रोल के दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्ट्रेशन यानी कि हम या तो नए ट्रीज लगा दें या फिर हम डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो अपने आप ही रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा इस तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन को थोड़ा सा रोक सकते हैं उसके अलावा बच्चों एक फ़ॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है जिससे कि फॉरेस्ट की सुरक्षा हो सके और जो आसपास के लोग रहते हैं वो फॉरेस्ट से अपनी नीड्स को पूरा कर सकें सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रेन वी सॉ हाउ फॉरेस्ट कैन बी conserved, हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी conserved, इनको हम कैसे बचा सकते हैं और इनको बचाना क्यों ज़रूरी है ये सब हमने इस चैप्टर में देखा अब बच्चों इसके कुछ की वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप कोशिश कीजिए इन सारे की वर्ड्स को समझने की और इसके एक्सप्लेनेशन को इस कंटेंट में से ढूंढने की इस वीडियो को आप एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार देखिए इस वीडियो को देखिए और चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए उसके बाद आप ये समरी भी एक बार इसकी पढ़ सकते हैं समरी में जो मेन पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं ओके चिल्ड्रेन ओके थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन